हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका हम सिलेबस कहाँ से देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। हालांकि मैं हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं हिस्ट्री से रिलेटेड ज़रूर बताऊंगी। लेकिन सिलेबस में देखने का ढंग मैं सभी का बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो यू डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिर हमें पढ़ना कहाँ से है। तो एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे लिखा है सिलेबस। तो अगर आपको यहाँ से नहीं पता लग रहा है तो आप सीधा गूगल पे जाके भी सिलेबस लिख के साथ में यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हो। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस वाला जो हाईलाइट किया होगा जिसको, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका सिलेबस वाला बॉक्स जो खुल जाएगा। अभी प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया है तो इसको खुलने में टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास सिलेबस आ गया है, ठीक है। तो इसमें से ये साइट पे जो विंडो होती है इसमें सारी ऑप्शंस लिखी होती हैं, आपने क्या चेक करना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है, हॉस्टल का लिखा है, तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एजुकेशन के हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे, लॉ के यहाँ से करेंगे, मेडिकल के यहाँ से चेक करेंगे, साइंस के यहाँ से चेक करेंगे, और जो आर्ट्स के हैं वो मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। ये है मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट का सिलेबस, जिसमें तकरीबन सारे सिलेबस उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। ये BA BSc ऑनर्स थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर 21-22 सेमेस्टर का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ये फिक्स फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का है, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे उसका वो सिलेबस यहाँ से खुल जाएगा। तो वैसे मैंने कुछ सिलेबस की वीडियो भी बना के डाली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिवाइज सिलेबस ऑफ BA BSc जर्नल फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। तो हम यहीं से खोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमारा सिलेबस खुल जाता है और यहाँ पे उन्होंने पेज नंबर दे रखे हैं कि कहाँ पे आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो ये हिस्ट्री का शायद 106 पे है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं उस पेज नंबर पे और वहाँ से जाके चेक करते हैं कि आखिर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या हैं और हमने सिलेबस को कैसे देखना है। ये रहा हमारा 100 पेज और ये आ गया हमारे पास 106 डिफेंस एंड हिस्ट्री का ही होना चाहिए। यहाँ से हम जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें से सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। उन्होंने बता रखा है कि 4 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। और ये देखें 4 यूनिट्स में और हमारे पास पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे। ये पैटर्न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो टोटल ये 100 मार्क्स का है, 90 मार्क्स की थ्योरी, 10 मार्क्स की असेसमेंट, और जो बच्चे एग्जाम प्राइवेट देते हैं उनका 100 मार्क्स में ही होता है, उनकी असेसमेंट नहीं जाती। तो यूनिट 1 में उन्होंने 3 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेंगे आप, इसमें से सबसे पहले तो आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आपने 15 में से 9 करने हैं, ठीक है। फिर जो फर्स्ट यूनिट होगा उसमें आपको उन्होंने 3 चैप्टर दे रखे हैं, इन 3 चैप्टर्स में से आपने क्या करना है, कोई 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर को तैयार कर लो। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार और उसकी नगर योजना, दूसरा क्वेश्चन बनेगा सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन। 2 क्वेश्चन आप ये तैयार करें यहां से और एक ये करें लाइफ इन वैदिक एज, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड रिलीजियस, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन। तो यूनिट 1 में आप पहले चैप्टर को छोड़ सकते हैं, सेकंड और थर्ड के ये 2 चैप्टर तैयार करें फर्स्ट यूनिट के, इन दोनों में से 1 क्वेश्चन आपको पेपर में 100% आएगा और आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आप देखें यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं 3 चैप्टर, आप 3 चैप्टर्स में से कोई 2 तैयार करें, मेरे हिसाब से पांचवा और छठा चैप्टर तैयार करें, ठीक है। इसमें से आप 4th चैप्टर को छोड़ दें। 5वें में आपने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का जीवन और उनकी शिक्षाएं ही पढ़नी है। तो वेरी इजी टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक का क्वेश्चन तो पेपर में आ ही जाता है। तो 4th चैप्टर को आप छोड़ दें,
और सिक्स्थ में से भी आसानी है क्वेश्चन, जिसमें आपने मौर्य साम्राज्य का सारा शासन प्रबंध करना है और अशोक का दम करना है। तो चार क्वेश्चन बनते हैं दो चैप्टर्स में से, तो ये चार क्वेश्चन तैयार कर लें, फोर्थ चैप्टर को छोड़ दें। तो चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास थर्ड यूनिट, उसमें से आप पहले दो चैप्टर कर लें, ये सातवां और आठवां, ये नाइन्थ को आप छोड़ दें। इसमें से आप मौर्य साम्राज्य का पतन और कनिष्क की अचीवमेंट्स को कर लें, और इसमें से आप कर लें गुप्त साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल, यानी कि उनका सभ्याचारक और उनका वैज्ञानिक जो तरक्की है गुप्त पीरियड में, ये कर लें। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, इनको आसानी से आप कर सकते हो। ये नाइन्थ वाला चैप्टर आप छोड़ दें। और फोर्थ यूनिट में से मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैप तैयार करें, और वो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस का, और ये 100% ही होता है कि पेपर में आता ही है। भारत का ऐसा एक नक्शा लें और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस उसमें भर लें। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे बना के रखी हुई है, उस वीडियो को देख के आप प्लेसेस भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 18 नंबर के होंगे, 15 में से 9 करेंगे। फिर फर्स्ट यूनिट आएगा, दो क्वेश्चन होंगे, दो में से एक करेंगे, और एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, तो कम से कम 5-6 पेज जरूर लिखें। फिर सेकंड यूनिट में दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन करें, तो भी कम से कम 5 या 6 पेज का करें। थर्ड यूनिट में से भी दो क्वेश्चन आएंगे और दो में से एक करें। और फोर्थ यूनिट में आप मैप को करें, मैप के कम से कम 5 प्लेसेस तो वो पक्का ही देंगे, 10 भी दे सकते हैं। 5 प्लेसेस 2 नंबर के होंगे तो 10 नंबर ये होंगे, और 4 प्लेसेस की आपको डिटेल लिखनी होगी तो वो 8 नंबर का वो होगा, तो 18 नंबर इस तरह से आपके बन जाएंगे। तो उम्मीद है आप इजीली सिलेबस को भी ढूंढ पाएंगे वेबसाइट से, किसी भी क्लास का सिलेबस अगर आपको देखना है, और साथ ही साथ आप अपनी इस चॉइस को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर हमें एग्जाम में करना क्या है, किस तरह से हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, तो जो बच्चे इंग्लिश का सिलेबस नहीं समझ पाते वो यहाँ से अपना सिलेबस को खोलें और उसमें से पढ़ें कि आखिर हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ये 50 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, उसमें थ्योरी 45 मार्क्स की, 5 आपकी असेसमेंट होगी। एग्जाम आपका 3 घंटे का ही है, तो इसमें भी सेक्शन बने हुए हैं, उन्होंने क्वेश्चन बता रखे हैं कितने कितने नंबर के आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो इसका मैं फिर भी आपको एक अलग वीडियो बना के डाल देती हूँ। और किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपको सिलेबस देखना है तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप वेबसाइट के ऊपर सिलेबस लिखें, यहाँ पे ध्यान दें इस साइड पे, और वहाँ से आप अपना कोई भी सिलेबस खोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करते हो तो आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस पेज पे आपके सामने आ जाती है। तो कोई भी चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इजीली आप उस पर्टिकुलर हेडिंग से सर्च कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का, और ये मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से नोटिस बोर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी ये डेट शीट पड़ी है, यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस बोर्ड आ गया है। 24/11 के बाद कोई नोटिस नहीं डाला गया है, सारे लेटेस्ट नोटिस यहाँ पे होते हैं, और ये आपकी डेट शीट है, तो जो भी आपको डेट शीट देखनी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी डेट शीट को ओपन करेंगे और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।